मम्मी लेट जा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट हुआ है आप सभी के लिए, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है, BSNL की तरफ से होने वाला है। डिटेल में बात करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी हाईफाई डिग्री चाहिए, बेसिक लेवल से आपका स्टडी होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस भी नॉर्मल रखी गई है, इतनी ज़्यादा हाईफाई नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर पोस्ट बहुत सारी, आप सब आराम से अप्लाई कर पाएंगे। और सैलरी क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, डिटेल में बात करेंगे, वन बाय वन बात करेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है BPNL की तरफ से। BPNL का मतलब क्या होता है? भारतीय पशुपालन विभाग, भारतीय पशुपालन विभाग की तरफ से इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसके अंदर जो पोस्ट है ना, बेसिकली अभी फिलहाल 3 पोस्ट रखी गई है, उस पोस्ट के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है सेंटर इंचार्ज की पोस्ट रखी गई है। सेकंड जो इसके अंदर रखी गई है सेंटर एक्सटेंशन ऑफिसर, सेंटर एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट रखी गई है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर सेंटर असिस्टेंट की पोस्ट रखी गई है। हिंदी में अगर बात की जाए तो सेंटर को हम केंद्र कहते हैं, जिसके आप सभी को पता है। इसके अंदर आ गया केंद्र प्रभावी, केंद्र प्रभारी, इसका हो गया केंद्र विस्तार अधिकारी। नेक्स्ट हो गया केंद्र सहायक की यहाँ पे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 रखी गई है। बात करें इसके अंदर इम्पोर्टेंट डेट क्या है, तो काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई भी कर लिया होगा, इसका जो नोटिफिकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। क्या पता आप में से कई लोगों ने अप्लाई भी कर लिया, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 10 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। पर ऐसा नहीं है कि इसकी डेट खत्म हो गई, अभी भी अच्छी खासी डेट है। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको लास्ट डेट बताती हूँ, लास्ट डेट क्या है ना इसकी, 21 मार्च है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ज़रूर से इसके लिए अप्लाई करें, फटाफट इसके लिए अप्लाई करें, अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। बात करें सैलरी की, तो जैसे कि मैंने बताया था सैलरी एकदम मस्त छे। सेंटर इंचार्ज की सैलरी कितनी रहने वाली है, तो सेंटर इंचार्ज की जो सैलरी है 43,500 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। और अगर आप सेंटर एक्सपेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी 40,500 रुपये रखी जाती है। और अगर आप सेंटर असिस्टेंट की बात करें तो आपकी सैलरी यहाँ पे 37,500 रुपये रखी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं सैलरी कितनी ज़्यादा, ठीक है मुझे तो बढ़िया लग रही है। सेंटर इंचार्ज के लिए 43,500, सेंटर असिस्टेंशन के लिए 40,500, सेंटर असिस्टेंट के लिए 37,500। सेंटर असिस्टेंट के लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, सेंटर एक्सटेंशन के लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सेंटर इंचार्ज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी का ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। अगर आप सभी ग्रेजुएशन पास हैं तो सेंटर इंचार्ज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैजी कर दिया, अब इसे क्लियर भी मैं ही करूँगी। एक सेकेंड, मैं ब्लैक मार्कर से लिखती हूँ, हाईलाइट होगा जब मैं जो लिखूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सेंटर इंचार्ज के लिए 43,500 सैलरी है, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, सेंटर एक्सटेंशन ऑफिसर्स के लिए यानी केंद्र विस्तार अधिकारी के लिए 40,500 रुपये सैलरी है, और उसका 12th पास होना ज़रूरी है। सेंटर असिस्टेंट के लिए आपकी 37,500 रुपये सैलरी होने वाली है, और इसके लिए आपका 10th पास होना ज़रूरी है। किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए फिलहाल हम एज लिमिट की बात करते हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं सेंटर इंचार्ज के लिए, तो आपकी जो एज लिमिट है 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप अप्लाई करें सेंटर एक्सटेंशन के लिए, तो इसके लिए आपकी जो एज लिमिट है 18 से 40 साल के बीच में अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सेंटर असिस्टेंट के लिए, तो जो आपकी एज है 21 से 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली, तो एज इट इज़ एप्लीकेशन फ़ीस भी अलग अलग है। इसमें आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो सिलेक्शन जो है आपका इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाता है। जब आप उस ऑनलाइन एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हैं देन उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाता है। पर इसके बाद एक और इसके बाद स्टेप लिया जाता है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है।
जो कि आप सभी को करना ही पड़ेगा। और 2024 के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको नहीं पता कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से कराया जाए, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके वीडियो को ज़रूर से वॉच करिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आप अप्लाई किस तरीके से करेंगे, तो आप इसके लिए जो अप्लाई है ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं www.bhartiyapashupalan.government.in इस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है जहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फीस कितनी होने वाली है, तो अगर आप सेंटर इंचार्ज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो है 944 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है पर पर्सन। बात करें सेंट्रल एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो है 826 रुपये यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी जाती है जो कि पर पर्सन होती है। और अगर आप सेंट्रल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है 708 रुपये रखी जाएगी पर पर्सन। तो एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है आई नो, पर अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी सैलरी वगैरह पे अगर आप बेसिकली ध्यान देंगे ना तो ठीक ठाक जॉब है। बाकी आप अपना बजट वगैरह सब कुछ देख के इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसा मैटर नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से आपकी एजुकेशन क्वालिटी कितनी भी हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम फलाना डिमका साइड साइंस है, डज नॉट मैटर, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसकी इन्फॉर्मेशन जा सके और इस वीडियो को बनाने का गोल पूरा हो सके किसी एक की जॉब लगा के। थैंक यू सो मच।